अति सचिन नेता निरस्त करो, अरे ठेका चर्चा बंद करो, अरे ठेका चर्चा बंद करो, अरे वर्षों से काम कर रहे कर्मचारी को परमानेंट करना होगा, अरे वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट करना होगा, समान काम का समान वेतन देना होगा, अरे समान काम का समान वेतन देना होगा, अरे मनमानी नहीं चलेगी, हरियाणा कानून नहीं चलेगी, और नहीं तो होगा चक्का जाम, और नहीं तो होगा चक्का जाम, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे मनमानी नहीं चलेगी, हरियाणा कानून नहीं चलेगी, पच्चीस सौ तीन लेकर निरस्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर का कर्मचारी का पैसा सब शोषण करके सब खा जाते हैं पदाधिकारी लोग भोग मिल के, सरकार कोई सुनती नहीं है। सातवां वेतन आज तक नहीं मिला एसीपी का, सातवां वेतन आज तक नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? नारा लगा रहे हैं मुख्यमंत्री, हाय हाय, आखिर क्यों? ये सातवां वेतन का खाली सवाल नहीं है, सातवां वेतन सबको मिल जाए तो पूरे बिहार में जो नगर निकाय के कर्मचारी हैं, जो गरीब आदमी हैं, सबका किस्मत बदल जाएगा। सातवां वेतन तो दूर है, जो काम करके पसीना बहा रहे हैं और गंदगी उठा रहे हैं और स्वच्छ भारत का जो नारा है उसको साकार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जो जो सफाई मजदूर हैं नगर निकाय में हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं, उनको आज के दिन में 300-400 रुपया प्रतिदिन, 10,000 रुपया महीना भी नहीं मिल रहा है, उनका जीविका उपार्जन कैसे चलेगा, उनका परिवार बच्चा कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री जी ने सफाई मजदूरों के पद को ही बिहार से समाप्त कर दिया, इसलिए मुख्यमंत्री हाय हाय तो होगा, समाप्त कर दिया, पद ही नहीं समाप्त कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, और वो आउटसोर्स के माध्यम से कमीशन खोरी के अलावे दूसरा कोई नहीं। आंदोलन करने से क्या सरकार जागरूक होगी? आंदोलन करने से सरकार नहीं जागरूक होगी तो उनको प्रणाम करने से सरकार तो जागरूक नहीं होगी। तो हमारा काम तो आंदोलन करना है, जितना कर सकते हैं जोर लगाएंगे, आवाज लगाएंगे, अगर बाहरी अदूंगी सरकार होगी तो इनके कमर तोड़ने का भी काम करेंगे, कमर तोड़ने का भी काम करेंगे। लेकिन और कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश, क्या नाम है अपना, पहले परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सूरज कुमार सोनो हुआ, बिहार लोकल वर्किंग एम्प्लॉयज फाउंडेशन के जो है राज्य संगठन मंत्री है, और आज का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में लाखों की संख्या में जो दैनिक संविदा सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवारों का देखिए, बार बार इसलिए उतरना पड़ता है कि आप लोग तो मीडिया से जुड़े हैं, कोई चीज आपसे छुपा नहीं। हमारे संगठन के अध्यक्ष, पूरे बिहार में जो करप्शन चल रहा है उस करप्शन का अगर सबसे उच्च शिखर कहीं मिलेगा तो वो आकंठ डूबा हुआ है नगर विकास विभाग, और उसमें भी खासकर जो नगर निकाय जो संस्था चल रही है, आप देख रहे हैं 2021 में एक बार रूल्स बना, नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन हुआ, अभी 3 बरस भी नहीं बीता फिर संशोधन हो रहा है, कितना अधिकार छीनोगे ये सवाल खड़ा हो रहा है। फिर मंत्री जी का बयान आ रहा है कि नहीं अधिकारों को हम वापस कर रहे हैं, अरे हम लोगों ने हाईकोर्ट से केस जीता, हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, किनके खिलाफ गई? गरीब मजदूरों के खिलाफ। कौन गरीब मजदूर? जो शहरों में कूड़ा उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, शहरों की सफाई कर रहे हैं, लोगों को हैजा, प्लेग, कोरोना ऐसे बीमारियों से, डेंगू वगैरह से बचा रहे हैं, हम स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं और हमारी स्वास्थ्य पर ग्रह लगा हुआ है। आज के दिन में 10,000 रुपया भी तनख्वाह नहीं मिल रहा है ऐसे मजदूरों को जो गरीब घर से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनके लिए आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनके पद को ही समाप्त कर दिया, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, सातवां वेतन देने का कमिटमेंट हुआ था, अब आज कहते हैं कि साहब सातवां वेतन देना है तो हमसे इजाज़त लेना होगा, तो हम झाड़ू भी लगाएंगे तो सरकार से इजाज़त लेके लगाएंगे। अरे नगर निकाय अगर संस्था है, आपने बनाया है स्वायत्त संस्था, अगर उसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आप फ्री छोड़िए, अगर नगर निकाय सक्षम है तो सातवां वेतन
भी देगा उससे भी ज्यादा देगा। दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण अगर कोई संस्थान चाहता है करना करने दीजिए। सरकार गरीबों के अधिकारों पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके अधिकारों को छीनना चाह रही है। और ये आज जो लोकल बॉडीज कर्मचारी का जो संयुक्त मोर्चा है ये मोर्चा लगातार लड़ेगी दैनिक वेतन लेने का। और आउटसोर्स सबसे दुखद बात है कि आउटसोर्स और ठीका प्रथा जो चल रहा है, आप जरा सर्वे करिए, पता करिए कि आउटसोर्स और ठीका प्रथा में क्या हो रहा है। पटना नगर निगम में एक एजेंसी 100 करोड़ लूट करके चली गई, उस एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुआ? उस 100 करोड़ लूटने में जिन लोगों का हाथ रहा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? आपने कागज पर दिखा दिया। अब तक 1800 से ज़्यादा कर्मी दैनिक से लेके आउटसोर्स से लेके पटना नगर निगम में निकाले जा चुके हैं। कौन? जिसको प्रशासन कहती है कि फर्जी है। ये फर्जी कर्मचारियों को किसने बहाल किया? और ये 1800 कर्मचारी पिछले 4, 5 और 10 वर्षों से अगर वेतन उठा रहे थे तो उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार इसको जांच क्यों नहीं कराती है और गला काट रही है उन मजदूरों का जो सड़कों पर झाड़ू दे रहे हैं, नाला सफाई कर रहे हैं, पटना को और राज्य के सारे शहरों को गंदगी से बचा रहे हैं, लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा कर रहे हैं। उन पर कोई नज़र नहीं है सरकार की, इसलिए वो नज़र उठाएं और 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उसके पहले तक हम लोगों की तैयारी है कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानेगी तो सरकार के विरुद्ध जो भी कदम उठाना होगा उस कदम को उठाएंगे। और हम राजनीतिक रूप से भी आह्वान करेंगे कि जिन दलितों की बात हम करते हैं, जिस रोजगार की बात करते हैं, जिस गरीब मजदूरों की बात करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने वाला कौन है? और जो है वो आगे बढ़े, इससे ज़्यादा रोजगार और नियोजन का सवाल किसी विभाग में नहीं है। शिक्षक को आप परमानेंट कर रहे हैं, सफाई मजदूर को क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस में भर्ती कर रहे हैं, सफाई मजदूर का क्यों नहीं भर्ती हो रहा है? तो क्या सबसे ज़्यादा आपको गंदगी इन्हीं में नज़र आ रही है? यही सबसे अक्षम नज़र आ रहे हैं जो हम सारा काम कर रहे हैं? हमारे काम की तुलना और किसी से कर लीजिए। हमारा काम शिक्षक से कम है क्या? हमारा काम कोई पुलिस से कम है क्या? हम भी तो स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। आप ये इसलिए ये चलेगा नहीं और ये लड़ाई चलेगी। और मैं कह देता हूँ आने वाले समय में करो मरो तक हम लोग करेंगे, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव के पहले ये मांग सरकार को देना पड़ेगा। हमारा क्या महादलित वर्ग के जितना भी है वर्ग क्या मांग है? क्या सब दिन मांग है? नहीं नहीं, ये गलत है। पूरे बिहार राज्य में 40 से 50 हजार दैनिक मजदूर डोम मिस्टर भंगी है, जो नाला भी है, जो मिस्टर भंगी है, जो पूरे बिहार में है। अरे रुको, अभी आप पूरे बिहार में, बिहार राज्य में 19 नगर निगम है, 65 नगर परिषद है, 212 नगर पंचायत है, जिसमें 30 से 35 हज़ार तो दैनिक वेतन कर्मी हैं, 50 से 60 हज़ार आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जो काम कर दलित दो मिस्टर भंगी हैं, जिसका कोई नहीं आवास है, उसका रहने का कोई गुजारा है, उसको सरकार ने पद समाप्त कर दिया अपने सरकार ने। अब बिहार राज्य में सभी विभाग में वैकेंसी निकल रहा है, नगर निगम 30 साल 35 साल से काम किसी का परमानेंट नहीं हुआ। यह उसकी मांग है, जो दुनिया के सबसे निचले तबके के लोग हैं उनकी सेवा को स्थायी करो, दूसरा कोई मांग नहीं है। 7वां वेतन से कोई ताल्लुक आता जाता रहे वो करता रहेगा, वो तो लोभी की सरकार है। इन मजदूरों को जो 1 लाख मजदूरों का जो जीवन मरण का सवाल है उसके लिए यहाँ रहा, अगर यह नहीं करेंगे तो हड़ताल का तो हमें सूचना उनको दे ही रहे हैं, अगर नहीं करेंगे 2025 में घूम घूम के संपूर्ण राज्य में उनके खिलाफ हम सरकार को बताएंगे, जनता को, देखो यह मजदूर जो ढोंगी है या दलितों का विरोधी है या हमारा रोजी रोटी पेट मारता है, इसलिए करेंगे। यह हड़ताल आंदोलन मेरा जारी रहेगा। मजदूर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हो गया कोई अपना दोस्त थे सवाल।